व्हाट आर साइटोलॉजिकल मैप्स? ये ऐसे मैप्स होते हैं जो के पैटर्न्स शो करते हैं क्रोमोसोम्स पे। होता है इसमें क्या है कि हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना बैंड्स बन जाते हैं क्रोमोसोम पे। उनको हम फिर ऑब्ज़र्व करते हैं बैंड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। ये बैंड्स जो हैं ये हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक मार्कर्स मौजूद हैं, और दो बैंड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे रिलेटिव यूनिट्स में, जैसे कि डस्टन यूनिट्स हैं। सो ये बेसिकली देखें, ये बेसिकली साइटोलॉजिकल मैप है एक क्रोमोसोम का। इसमें देखें हमने क्रोमोसोम की पहले स्टेनिंग की, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए हैं क्रोमोसोम पे। अब ये जो बैंडिंग पैटर्न्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि इस एरिया में, इस बैंड पे कौन सा जेनेटिक मार्कर मौजूद है। यहाँ पे देखें ना, साथ नंबर दिया हुआ है कौन सा नंबर का जेनेटिक मार्कर, और नेम भी बताया गया है, ठीक है। सो क्रोमोसोम पे जो जीन्स की लोकेशन है, जेनेटिक मार्कर की लोकेशन है, जो बैंड्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजिकल मैप्स।